हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एक चैप्टर जो कि इंग्लिश का द बेस्ट फूड लिविंग है। क्लास 10th का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर को हम लोग इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो, साथ ही साथ ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखने की बात है तो इजी वे से आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर द पेस फॉर लिविंग यह चैप्टर है, द पेस फॉर लिविंग अगर चैप्टर है, तो इस चैप्टर का अगर कहीं से भी अगर कोई बात हो तो आप आसानी से इसे बता सकते हो। ऐसी आपके अंदर क्वालिटी हो जानी चाहिए। तो इसकी क्वालिटी की जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी के लिए आप सीधी सी बात है कि इसको आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और आपको घबराने की बात नहीं है, हर इम्पोर्टेंट बात इसकी जो आपके लिए होगी वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस क्या होगा, आपको ध्यान से बस बातों को समझना होगा। चैप्टर क्या कहता है, द पेस फॉर लिविंग। इसे हम लोग क्या कहेंगे कि द पेस, पेस का मतलब होता है रफ्तार, गति, यानी जिस स्पीड से चलती है उसे हम लोग कहते हैं, उस रफ्तार को हम क्या कहते हैं, उस रफ्तार को हम कहते हैं पेस, रफ्तार। और लिविंग का मतलब क्या होता है कि रहन सहन, जीने का ढंग। तो जिस तरह से जीने का ढंग हमारा रफ्तार बदल रहा है, उस गति के आधार पर यह आधारित यह चैप्टर है। आरसी अचिंसन का चैप्टर जो है, यह चैप्टर आपको उन बातों को बताएगा कि मॉडर्नाइजेशन आने के बाद, जो मॉडर्न एज आज के समय में हो गया है, इस मॉडर्न समय में जो पहले के लोग हैं, जो ओल्ड एजेस लोग हैं, वह अपने आप को किस तरह से असमर्थ महसूस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें क्लियर करेगा कि एक जिस तरह से हमारा एज मॉडर्नाइजेशन वृद्धि कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सभी कोई अपने आप को, उसके अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करने में असमर्थ है। सभी कोई अपने आप को उस अनुरूप डेवलप नहीं कर पा रहे। तो जो डेवलप कर दे रहे हैं वह उसके साथ आसानी से जी रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को उतना अपडेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए समस्या होती है। तो यहां पर एक कटाक्ष के रूप में इस चैप्टर में यह जानना है कि किस तरह से हमारा मॉडर्न एज आपका तेजी से वृद्धि कर रहा है और उसके साथ हम जो पुराने लोग हैं वह किस तरह से अपने प्रॉब्लम, अपने समस्याओं के साथ जूझ रहा है, इनके बारे में इस चैप्टर में जानकारी लेना है। पहले हम लोग आरसी अचिंसन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वो क्या है, कैसे हैं और इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो होते हैं इनके आपके बारे में, यानी कि राइटर के जानकारी से भी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसकी बेसिक जानकारी क्या है, अर्थात कि आरसी अचिंसन कौन है और किस तरह के ये राइटर है और किन तरह की बातों पे विशेष रूप से जोर देना चाहते हैं और इस चैप्टर में इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये कहता है आपको, आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एक ऐसा नोवेलिस्ट जो ब्रिटिश उपन्यास को लिखने वाले एक उपन्यासकार है जो स्पेशली ब्रिटिश के हैं। इट्स हैबिट्स एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसेटिव इशू, यह ऐसे इशू को उठाते हैं, प्रस्तुत करते हैं जो सेंसेटिव हो, जो हमारे लिए क्या हो, सेंसेटिव हो। अब सेंसेटिव में क्या हो सकता है, सेंसेटिव मतलब ऐसे बात जो लोगों को ज्यादा भावुक कर दे, लोगों को ज्यादा आसानी से भावुकता में ला दे, इन बातों को एक एक्सेप्शनल केस के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विख्यात है। ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी, आज के समय में, समकालीन समाज में, समकालीन दौड़ में जो एक्सेप्शनल क्वालिटी है, यह इन बातों को प्रस्तुत करने के लिए यह विख्यात है। और ये स्पेशली ब्रिटिश नोवेलिस्ट यह इन कामों को करने के लिए ही जाने जाते हैं। और क्या, विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस, द पैराडॉक्सेस, या जितने भी हमारे कॉन्ट्राडिक्शन और पैराडॉक्सेस है, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी जितने भी हमारी रूढ़िवादिता है, इनके कारण हमारे समाज में जितनी समस्याएं उत्पन्न होती है, इन समस्याओं को वह सेंसेटिवली प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं आरसी अचिंसन। और यहाँ पे जो प्रस्तुत जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है
द पेस फॉर लिविंग, यानी कि यह जो चैप्टर है पेस फॉर लिविंग, इसमें हचिंसन ने क्या किया है, इन्होंने हचिंसन ने कैप्चर्स किया हुआ है इन बातों को, यह इकट्ठा किया है एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, अर्थात कि एक आधुनिक जो आदमी है, व्यक्ति है, उनके अंदर किस तरह की समस्या है और किस तरह की क्वालिटी होती है या किस तरह से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है, उन सभी विचारधारा को इन्होंने यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ क्या कर रहा है कि ही ब्रिंक्स आउट, वह इन चीजों को भी प्रस्तुत किए हैं। ब्रिंक्स आउट एक फ्रेजल वर्ड है और एग्जाम में कभी कभी इस तरह के फ्रेजल वर्ड को एग्जाम में सेंटेंस बनाने के लिए मिलता है आपको, तो इन सारे वर्ड्स को आपको जान लेना जरूरी है। ब्रिंक्स आउट का मतलब होता है प्रकट करना या लाना, सामने प्रदर्शित करना, तो इसकी हिंदी जानकारी भी आपको होना जरूरी है। तो कह रहा है ही ब्रिंक्स आउट हाउ द फास्ट, ही ब्रिंक्स आउट हाउ द फास्ट, हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, नॉर्मल रिदम एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर, अनड्यू प्रेशर ऑन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। कह रहा है कि इन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश करा है कि आपका जो यह फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन है, जो तेजी से बढ़ रही, जो तेज की स्पीड से, हाई स्पीड से जो आदमी की विचारधारा का विकास हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो वस्तु का तेजी से आपका विकास हो रहा है, नए चीजें जो आपके साइंटिफिक चीजें सामने आ रही है, यह क्या कर रही है, हॉट्स, यह आपको परेशान कर रही है, जख्म दे रही है। द नॉर्मल रिदम, जो सामान्य रिदम में, सामान्य लय में जो चल रहे व्यक्ति होते हैं, इन पर एक प्रेशर अनड्यू कर रही है, यानी एक प्रकार का दबाव बना रही है। किन लोगों पर, जो नॉर्मल आपके आदमी है, नॉर्मल जो औरतें हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन पर प्रेशर दे रहा है। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश नोवेलिस्ट है, इस चैप्टर में यह बताने की कोशिश करी है कि जो नॉर्मल केसेस में जितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, नॉर्मल केसेस में जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिनके वजह से एक नॉर्मल लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन सभी समस्याओं को इन्होंने अपने चैप्टर द पेस फॉर लिविंग में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह एक ब्रिटिश नोबेलिस्ट है, बस इनके बारे में इतनी जानकारी अगर हमारे पास हो तो हम इनकी बेसिक जानकारी को जरूर क्लियर कर सकते हैं। आशा है क्लियर होगा। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि ये स्मॉल ग्रुप के कुछ काम है, स्मॉल ग्रुप्स के कुछ काम है, उनके बारे में आप जान लीजिए। तो स्मॉल ग्रुप के काम में क्या है आपका, कि स्मॉल ग्रुप में आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड से टॉक करना है, अपने फ्रेंड से बातें करनी है। क्या बातें करनी है भाई, कि तो बातें करनी है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, यानी कि कह रहा है टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक दियर ओपिनियन, अपने फ्रेंड से बात कीजिए और उनकी ओपिनियन लीजिए ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, उनसे जानकारी लीजिए कि जो आधुनिक युवा है, उस आधुनिक युवा के प्रति उनकी राय क्या है, और उनसे इस कुछ क्वेश्चन को पूछिए। अपने जब फ्रेंड से बात करते हैं तो कुछ नए आपके घटनाओं के प्रति, नया कुछ क्वालिटी आपके निकल के सामने आते हैं। तो कह रहे हैं कि उनसे आप पूछिए, क्या पूछिए, डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट। कह रहा है कि उनसे पूछिए कि आप क्या, आप फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट, क्या आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है, लेजरली चल रही है या फिर फास्ट, आपको कैसा पसंद है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी फास्ट होनी चाहिए, तेज रफ्तार से बढ़ने वाली होनी चाहिए या लेजरली स्मूथ और इजी चलने वाला होना चाहिए। इन दोनों के बारे में आपको उनसे राय लेनी है, बात करनी है। तो बेसिकली सी बात है कि जिस तरह से हमारा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हर कोई चाहेगा, आपका फ्रेंड भी चाहेगा कि हमारी स्पीड भी उसी रफ्तार से फास्ट चले, ताकि हम क्या कर सके, उस नए रिदम के साथ अपने आप को ढाल सके, अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस कर सके। इसलिए हमें भी फास्ट स्पीड में अपने अंदर डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी, अदरवाइज हम काफी पीछे छूट जाएंगे, राइट। उसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन की, जो डिस्कशन की सेकेंड पॉइंट है, उनसे पूछना है आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट है विथ
व्हाट यू सी टुडे, कि आजकल जो आप देख रहे हैं, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो मॉडर्न एज में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या आप इस मॉडर्न एज के चेंजेस से खुश हैं? क्या आप चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन सही है, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे पास्ट में किसी भी चीज को हम करने का जो पुराना तरीका था, क्या वह तरीका सही है? जैसे आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न एज का देन है ना? तो पहले हम लोग क्या करते थे, फिजिकल क्लासेस लेते थे, होता था कि हमारे कोचिंग क्लासेस दूर होती थी, दूर जाना होता था, घंटे 2 घंटे टाइम वेस्ट होते थे। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मॉडर्न एज है, इससे सेटिस्फाइड है, या फिर आप चाहते हैं कि पास्ट का जो तरीका था वो ज्यादा बेहतर था? तो आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी बताना है कि कौन सा पार्ट आप इसको सही लगता है और कौन आपका पार्ट आपको सही नहीं लगता है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर पे, और चैप्टर कहना क्या चाहता है इनके बारे में जानते हैं। ध्यान से देखिए, ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, आई सॉ अ प्ले। देखिए कह रहा है, आई आई सॉ अ प्ले इन डब्लिन। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्ले वर्ड है। अब ध्यान से देखिए, प्ले वर्ड जो है, प्ले का जनरली क्या मतलब होता है, प्ले का जनरली मतलब होता है खेलना। कब होगा, जब इसका वर्ड, इस वर्ड का यूज होगा वर्ब के फॉर्म में। एक वर्ब की तरह जब हम प्ले वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब खेलना होगा। लेकिन यहां पर जो प्ले वर्ड है, यह प्ले आपका वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन के फॉर्म में हुआ यूज। तो नाउन के फॉर्म में जब यूज होगा तो यह प्ले खेल नहीं बल्कि यह नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाटक। तो क्या कह रहा है, आई सॉ अ प्ले। इसका जो चीफ कैरेक्टर है, जो नैरेटेड है, जो इस चैप्टर को लिख रहा है, वो कह रहा है कि आई सॉ अ प्ले, मैंने एक नाटक देखा। कहाँ देखा भाई, इन डब्लिन। ये डब्लिन एक शहर का नाम है जिस शहर में उन्होंने एक नाटक देखा, नॉट लॉन्ग एगो। ये ज्यादा पहले की बात नहीं है, ये हाल ही फिलहाल में है, इसलिए कह रहा है नॉट लॉन्ग एगो, ज्यादा पहले नहीं। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज इल्डरनी कॉर्ड मार्चेंट, जिसके अंदर जो चीफ कैरेक्टर है, जो मुख्य रूप से जो मुख्य किरदार उस नाटक का है, वह कौन है, एक इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, एक धनी अनाज का व्यापारी है, ठीक है, इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, है ना जी, वो आयरिश कंट्री के एक स्मॉल टाउन में रहता है, एक छोटे से शहर में, आयरिश कंट्री के एक छोटे से शहर में रहता है। तो ये कह रहा है आपका नरेटर कि मैंने एक नाटक देखा। कहां पे देखा भाई, डब्लिन में। और क्या देखा, ये ज्यादा पहले की बात नहीं है, हाल फिलहाल में ही देखा। और जिसके अंदर जो मुख्य किरायेदार है, जो मेन हीरो है, वो क्या है, एक कॉर्न मर्चेंट है, मतलब क्या, एक अनाज का व्यापारी है। साथ ही साथ क्या, वह स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, वह आयरिश कंट्री के एक छोटे से शहर में रहता है। जब ये बात हो गई, ये बस स्टोरी दिमाग में बैठते चले जाए, बस स्टोरी समझते जाइए, पूरी चैप्टर आपको याद रहेगी। तो वह क्या करता था, वो नाटक देखा डब्लिन में, और वहां पे देखा कि एक मर्चेंट है, कॉर्ड मर्चेंट है, और वो चीफ कैरेक्टर के रूप में है, और वो आयरिश कंट्री के छोटे से शहर में रह रहा है। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एनेक्जाइटीज। भाई एक ऐसा आदमी है जिनके मन में बहुत सारी इच्छा है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हर किसी के अंदर इच्छाएं होती है, तो इनके अंदर भी बहुत सारी लालसाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। हिज हार्ट वॉज डिकी, इसका दिल बहुत ही कमजोर है। डिक्की मतलब होता है कमजोर, कमजोर दिल वाले, थोड़ा सा भी कुछ बात हो तो धड़कन हो जाए, हार्ट अटैक बन जाए, है ना। तो हिज हार्ट वॉज डिकी, इसका दिल बहुत कमजोर है। हिज नेफ्यू, लेकिन उसका भतीजा जो है, वाज चीटिंग हिम, और उसका भतीजा उसके साथ क्या करता है, धोखेबाजी कर रहा है। आजकल हर कोई हर किसी से धोखेबाजी कर रहा है, तो उसका भतीजा उससे धोखेबाजी कर रहा है। हिज वाइफ, यहां तक कि जो उसकी पत्नी हैड फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ होलीडे। कह रहा है कि उसकी पत्नी तो इतना ज्यादा खर्चीली है कि एक बार छुट्टी के दिन में जाती है तो सिर्फ अपने अपने फैंटास्टिक कार्यों के लिए 10 यूरो तो यूं ही खर्च कर देती है। तो क्या हो गया कि उनका एक भतीजा वो चीटिंग कर रहा है।
आज जब उसकी पत्नी इतना ज्यादा खर्चीली है तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि उसकी वाइफ भी उसके साथ क्या कर रही है, चीटिंग कर रही है। तो दोनों के दोनों कह सकते हैं कि बिचारे इसके साथ दोनों चीटर से पाला पड़ा है। किसे? ये कॉर्न मर्चेंट को। उसके बाद क्या, ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब आंखों से आंसू ना निकल पाता है तब, लेकिन उस कंडीशन में आपका दिल रोता है, आप मन ही मन रोते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है जिस समय आप आंखों से आंसू तो नहीं बहा पाते लेकिन आप रोते हैं, आपका दिल जरूर रोता है। तो ही कह रहा है ऑल टुगेदर, सबके साथ रहने के बाद पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। लेकिन यह जो पेस ऑफ लाइफ है, जो जिंदगी का दौड़ है, जिंदगी की जो रफ्तार है, उसके लिए टू मच था। टू मच का मतलब क्या हो गया? जहां पर भी वर्ड टू आ जाए, जहां पर भी वर्ड क्या आ जाए, जहां पे भी वर्ड आ जाए TOO, टी का मतलब समझ जाइएगा कि यह मामला जो हो गया आवश्यकता से अधिक हो गया, जो ना होना चाहिए। तो कह रहा है टू मच, इतना ज्यादा उसके लिए हाई हो गया है कि अब उसे कंट्रोल करना, बैलेंस करना उसके बस की बात नहीं है। तो कह रहा है पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उसके लिए ज्यादा हो गया, भारी होने लगा है। एंड इन अ मोमेंट, और इसी पल ऑफ डिस्पेयर, जो निराशा के जो पल है, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और उसके हार्ट से, हृदय से निराशा की एक तरह से बू निकल के आती है। एक मन ही मन निराशा सा बैठा रहता है कि अब उसके जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन, एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 100,000 miles an hour। ये कह रहा है कि जिंदगी का दौर तो इतना तेज चल रहा है कि एक एरोप्लेन, जहां पे हम पैदल जाते थे पहले, अब जाते एरोप्लेन से, जिस एरोप्लेन की स्पीड लगभग 1,000 miles है, और 1 माइल के अंदर लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, 1. आपका 6 किलोमीटर होता है जनरली। तो 100,000 miles का मतलब हो गया लगभग लगभग 1,600 किलोमीटर पर आवर आपका जनरली इसकी स्पीड है। इस स्पीड से अब गति कर रही है अब हमारी जिंदगी। तो एक जो पैदल चलता था, एक व्यक्ति जो पेडेस्ट्रियन था, जो पैदल चलने वाला था, आज उसे 1,600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली अगर गाड़ी से सफर करना पड़े तो उस कंडीशन में उसके लिए तो स्पीड हाई होगी, उसकी जिंदगी में भूचाल तो आएगी भाई। जो पैदल चलने वाला एकाएक इस रफ्तार के गाड़ी में बैठा दे तो कंफर्म है कि उसकी स्पीड को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम में पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से उसकी जिंदगी भी उसी तरह की हो गई है जैसे एक पैदल चलने वाली 1,600 किलोमीटर रफ्तार की पर घंटा की चलने वाली गाड़ी से सफर कर रहा हो। नाउ डैट्स टू फास्ट, इसके लिए यानी उस इल्डर्नी कॉल मार्चेंट के लिए यह बहुत ही अधिक तेज गति हो गई है। अब यह जो स्पीड है उसकी जीवन के लिए बैलेंस करने लायक नहीं है, टू फास्ट है, आवश्यकता से अधिक तेज स्पीड हो गई है। काफी गति से उसकी जिंदगी में यह परिवर्तन आ रहा है जो कि उसके लिए बैलेंस करना थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। लेकिन फिर भी क्या, फॉर मी कह रहा है, फॉर मी दैट वॉज द मस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। लेकिन नैरेटर कह रहा है कि मेरे लिए, अभी तक हमने कॉर्ड मर्चेंट की बातें उनके माध्यम से समझ रही थी, लेकिन अब नैरेटर बात कर रहा है। फॉर मी की चर्चा यहां पर नैरेटर के लिए हुआ है, इस लेखक के लिए हुआ है। दैट वॉज द मस्ट इनचेंटिंग लाइन इन द प्ले, इस पूरी नाटक का सबसे जो रोचक लाइन है, द मैंस कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। यह पूरे चैप्टर की जो सबसे रोचक लाइन है, कह रहा है द मैंस कंप्लेंट, आदमी शिकायत करते हैं, वाज सो ग्लोरियसली इररेलीवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, अपने सिचुएशन को इररेलीवेंट से, असंबंधित असंदर्भित रूप से अपने बातों को, अपने सिचुएशन को रखते हैं।
अपने सिचुएशन को रखने का मतलब क्या हो गया, जो स्थिति है वह उनके असंदर्भित यानी बैलेंस करने से बाहर जाती आ रही है। और क्या, एंड बिसाइड्स, यहाँ पे दिया हुआ है बिसाइड्स, ध्यान रखिएगा बिसाइड वर्ड नहीं है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, लेकिन बिसाइड्स यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब क्या के अलावा, यानी इसके अलावा और भी कुछ। जैसे इन दिस रोहन इज इन दिस रूम बिसाइड्स यू, आपके अलावा इस रूम में रोहन भी रहता है। तो यहाँ पे जो बिसाइड वर्ड यूज हुआ या बिसाइड्स के अतिरिक्त के लिए हुआ, लेकिन जब वर्ड होता बिसाइड BESIDE इसमें एस नहीं लगा रहता तो इसका मतलब होता बगल में। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं समटाइम, समटाइम का मतलब क्या होता है बाबू, कभी कभी, सॉरी समटाइम का मतलब होता है कुछ समय, लेकिन जब इसमें एस लगा दे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, और मीनिंग क्या बदल जाएगा, समटाइम्स का मतलब हो जाएगा कभी कभी। तो इस तरह से कभी कभी एस वर्ड जुड़ने से भी मीनिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। हमेशा ये ना सोचे कि अगर वर्ब के लास्ट में एस लग जाए तो वह प्लुरल बन, सॉरी सिंगुलर बन जाए, और नाउन में एस लग जाए तो प्लुरल बन जाए, ऐसा नहीं सोचना है। कभी कभी एस जोड़कर उस वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पे क्या कह रहा है, एंड बिसाइड्स बींग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज परफेक्ट एलुस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। क्या कह रहा है, एंड बिसाइड्स बींग कॉमिक, यानी कि हमें अगर कॉमिक हास्यप्रद बनने के अतिरिक्त, इट स्ट्रक मी हास्यप्रद बनने के अतिरिक्त, मतलब क्या, हम हास्यप्रद न बने, हम पे लोग मजाक न बनाए, इस बनने से पहले इट स्ट्रक मी एज परफेक्ट एलुस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। ठीक है, ये कह रहा है कि मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, कुछ अलग अलग तरीके के अविचारणीय आपके अप्रोचेज के माध्यम से ये हमें एलुस्ट्रेट करता है, हमें वर्णित करता है, परफेक्ट तरीके से हमें यह बतलाता है कि हमारी जिंदगी की रफ्तार कैसे बदलती जा रही है। और क्या कह रहा है, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, आपने समझा होगा या आपने देखा होगा कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के समय में हम लोग क्या हो गए, पुराने मूर्ख के समान हो गए हैं, क्योंकि जिस रफ्तार में हमारी लाइफ जिस रफ्तार में डेवलप कर रही है, जिस रफ्तार में चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग पुराने लोग अपने आप को डालने में असमर्थ है, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं डाल पा रहे हैं। जब चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ना डालेंगे तो अपने आप को मूर्खी मानेंगे। तो वही कह रहा है कि हम एक पुराने मूर्ख के समान यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और क्या कह रहा है, नॉट डेट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। क्या कह रहा है कि नॉट आई हैव एनी डिसलाइक, मैं नापसंद नहीं करता, ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मेरे लिए जो ये रैपिड मूवमेंट है, तेजी से जो परिवर्तन है, तेज रफ्तार वाली गति है, ऐसा नहीं है कि मैं इसे पसंद नहीं करता, आई एंजॉय, मैं आनंद लेता हूं, मुझे भी मजा आता है। गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour, 90 माइल्स पर आवर वाली स्पीड वाली कार से ट्रेवल करने में मुझे भी मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि इस रफ्तार से मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, या भले ये मेरी कार ना हो, दूसरी की कार हो, लेकिन उसके साथ में मैं इस रफ्तार में जब गति करता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे नापसंद करता हूं, मैं भी इस मूवमेंट का, इस पल का मैं आनंद लेता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। कह रहा है एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। क्या कह रहा है आपको कि यहां पे जो आपकी मशीन की रफ्तार है, जो हमें क्या करती है, क्या कह रहा है कि आपका आई एडोर मशीन्स
दैट हर्ड यू अबाउट एट बटरसी। बटरसी एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कहाँ पे है, साउथ लंदन में। तो कह रहा है कि साउथ लंदन के इस बटरसी वाले आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, इस दशक में आई एडोर द मशीन्स, मैं इस शहर में मशीन से सने रखता हूँ। यह जो आपकी मशीन वाली दुनिया है, जो आधुनिक युग है, इस परिवर्तन की दुनिया को मैं क्या करता हूँ, सने और प्यार से रखता हूँ। दैट हॉल्स यू, ठीक है, जो आपको यह पिरो देता है या आपको झकझोर देता है, इस मशीन की दुनिया से मैं भी सने रखता हूँ। क्यों सने रखता हूँ, क्यों, क्योंकि टू डाइन इन लंदन, कि लंदन में आपने रात्रि का भोजन किया एंड लंच इन न्यूयॉर्क, दोपहर में आपने कहाँ पे किया, न्यूयॉर्क में लंच किया, एंड नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और अगले दिन एक संतुष्टिपूर्ण अनुभव का आभास हुआ। मतलब क्या कि इस रफ्तार में, इस तेज रफ्तार में हमारी जो जिंदगी चल रही है, ये मुझे भी अच्छा लगता है कि लंदन में रात्रि हमने लंदन में बिताया, अगले दिन हमने न्यूयॉर्क में बिताया, तो अगली सुबह इतनी तेज रफ्तार से जिंदगी हमारी बढ़ रही है, तो इसे मैं भी पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस कल्पल को हम डिजलाइक करते हो, ऐसा नहीं है कि हम इसे पसंद नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि हम इसे डिजलाइक करते हो, इसे पसंद करते हैं। लेकिन क्या इस पसंद करने के साथ में क्या आपका, कि आपको यह जो सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है, यह हमें जो एक्सपीरियंस देता है, यह सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस देता है, यानी संतुष्टिपूर्ण अनुभव का आभास कराता है। आई एडमिट, मैं इस बात को मानता हूं कि इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर्स, ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रेवल, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। कह रहा है समरसेट, एंड स्पेन, कह रहा है आपको क्या कि आपने कह रहा है द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट, लेकिन क्या है, मैं इस बात को मानता हूं इट एक्सक्लूड्स, या बाहर कर देता है, उन चीजों को शामिल ही नहीं करता। द रियल प्लीजर्स, जो रियल प्लीजर्स है, सच्ची जो आनंद है, जो ट्रैवल करने की सच्ची आनंद है, जो आपका आपका आनंदमय पल महसूस होता है जब आप एक कंट्री के बस से समरेस या स्पेन में जो आप बसों से ट्रैवल करते हैं, जो वो आनंद आता है, उस आनंद का आभास यह बिल्कुल खत्म कर देता है। इतनी तेज रफ्तार से चल रही जिंदगी में इस आनंद का आभास हम नहीं कर पाते। इट गिव्स यू अ सुपरफेशियल सेंस ऑफ ड्रामा, यह आपको एक ड्रामा का सुपरफेशियल, एक तरह से भ्रामक आपको एक ड्रामा का रूप देता है। मतलब क्या, एक काल्पनिक ड्रामा का, एक काल्पनिक ड्रामा का, जिस तरह से हम लोग ड्रामा देखते हैं, काल्पनिक पल देखते हैं, उसी का आभास होता है। यह ट्रैवल एक ट्रैवल नहीं होती है, बल्कि यह ट्रैवल हमारे लिए एक प्रकार का मजाक होता है, एक कल्पना होता है। हमने सोचा और आधे घंटे में हमने हमारी सफर दूर कर कंप्लीट कर ली, तो यह हमारे लिए किसी भी ट्रैवल के आनंद का मजा नहीं हुआ, बल्कि यह हमारे लिए एक कल्पना वाली बातें हुई। जितना देर में हमने कल्पना किया, उतना देर में हमने पहुंच गया। उसके बाद क्या कर रहा है, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, क्या इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ, सॉरी, इट वॉज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह वास्तव में हमारी एक्साइटमेंट का बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, हैड टू डू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। जिन चीजों को हमारे पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर्स अवॉइड करते थे, ठीक है, हैड टू डू विदाउट, जिसके बिना लोग करते थे, दूर की सफर पैदल करते थे, जो सामान्य रूप से कार्य करते थे, अपने हाथों से काम करते थे, और सारे काम मशीन कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि एंसेस्टर जिन चीजों को अवॉइड करते थे, वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट ग्रेटफुली, जिससे मैं कृतज्ञतापूर्ण आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, मतलब कि यह स्पीड हमें क्या कर रही है, कि अनफ्रेंडली बना रही है, हमें मित्रतापूर्ण को दूर कर रही है, अनफ्रेंड कर रही है। और क्या, टू मी इज वेयर मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम,
ठीक है, जो हमारे लिए जो मेंटल एक्टिविटी है उस हमारे समय को और ज्यादा तेज कर रही है, एज दे नेचुरली डू, जैसा नेचुरली करता था प्राकृतिक रूप में जो हमारा दिमाग कार्य करता था, उनको अब अनफ्रेंडली करके एक मशीन की तरह सोचने पे मजबूर कर दिया गया है, टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, उसे मजबूर कर दिया गया है कि हमें क्या करना है, पेस ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग काम करना है, पेस ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग हमारे माइंड को भी टेंड किया जा रहा है कि हमारी माइंड भी एक मशीन की तरह क्या हो जाए, वर्क करे, हमारी जो दिमाग है जो नेचुरल वे में सोचती थी वह नेचुरल ना सोच के एक मशीन की तरह काम करे, एक कंप्यूटर की तरह काम करे, जिससे जो काम दे दिया जाए बस वो काम कंप्लीट करे। ये चीज हमारी स्थिति में, यह परिवर्तन हुआ है इस तेज रफ्तार की जिंदगी में। उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं, आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, आई स्पीक विथ प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। मैं इस बात को बड़े ही नम्रता से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रजाति से बिलोंग करने वाला हूँ, उन पुराने लोगों में से मैं शामिल हूँ जो स्लो थिंकर्स हैं, जिनकी सोचने समझने की जो रफ्तार है आज की स्पीड से काफी ज्यादा स्लो है। और क्या, दीज हु आर कर्स्ड, जो आपका श्रापित है, विथ ल स्प्रिट ल एस्क्लेरेट एसेलरेट, जो पीपल हु लाइट ऑन द मस्ट डिवास्टिंग री पार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर। कह रहे हैं कि मैं स्लो थिंकर्स हूं, मैं उन प्रजाति से बिलोंग करने वाला हूं जो आपके निम्न तर से सोचने वाले थे, जो ये श्रापित है, जिनकी सोचने समझने की जो तरीका था वह प्राचीन तरीके से था, स्लो तरीके से था, और वह इस तरीके से था, ला स्प्रिट द एसेलेरेट, यानी कि स्प्रिट के अकॉर्डिंग अपने आप को एसेलेट करने वाला नहीं है, और क्या, उन लोगों के समान नहीं है जो क्या, पीपल हु लाइट ऑन द मस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, जो पार्टी ओवर होने के बाद भी 4 घंटे की और रिपार्टी करने के लिए तैयार है, 4 घंटे के लिए फिर से एनर्जेटिक होकर तैयार है कि फिर से वह पार्टी करे, फिर से वह इंजॉय करे, उस तरह की रफ्तार वाली हमारी जिंदगी ना है। हमारी जिंदगी क्या है, एक उस ट्राइब की तरह है जो उस रफ्तार से अपने आप को बैलेंस करने में असमर्थ है। कह रहे हैं, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूं हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस, जो किसी भी इंटेलिजेंस में सबसे कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि जब इंटेलिजेंस टेस्ट हो तो उसमें सबसे कम अंक प्राप्त करे, बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइंड टू मेजर्ड द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। क्यों, क्योंकि यह जो टेस्ट है, यह टेस्ट मेजर करता है स्पीड ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग के स्पीड को, बिना किसी अन्य पहलुओं को सोचे बिना, अन्य पहलू को सोचे विचारे बिना, आपका दिमाग कितना फास्ट रन करता है सिर्फ इन्हीं बातों पर वो ध्यान देता है। क्या कह रहा है कि यह इन टेस्टों में हमें सबसे कम मार्क्स आने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ड है, इस फ्रेजल वर्ड को नोट जरूर कर लीजिएगा, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज जब अचानक से मिल जाता है, एकाएक से मिल जाता है, किसी चीज को आपको मिलने की आशा नहीं रहती है, एकाएक से नजर पड़ जाए, तो उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं कम अक्रॉस। तो इससे आप लोग नोट डाउन करेंगे, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना, राइट। तो वही कह रहा है कि मैं उस स्लो थिंकर से बिलोंग करता हूं कि जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए तो उस टेस्ट में सबसे कम मार्क्स आएंगे, और साथ ही साथ क्यों, क्योंकि यह जो टेस्ट होगा यह आदमी के दिमाग की टेस्ट नहीं है, बल्कि दिमाग के स्पीड की टेस्ट है, उनकी भावना का, उनके विचार का टेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। जिस तरह से आज के रहन सहन है उसके हिसाब से देखा जाए तो स्लो थिंकर वास्तव में क्या है, आज के समय के लिए एक हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड मतलब क्या, एक विकलांग की तरह ही तो है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। स्लो थिंकर इतना है कि अपने आप को जो थिंकिंग वे है,
नए मॉडर्न एज के उसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं सकता, जो उस रफ्तार को नहीं पकड़ सकता उसे हम अपाहिज तो ही तो कहेंगे, अपंग ही तो कहेंगे। तो स्लो थिंकर्स के हिसाब से जो आपके या आपका नरेटर है वह अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस करता है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज ऑफ इंजॉयमेंट। वास्तव में जो हम सोचते हैं यह हमारे इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बल्कि क्या है, यह हमारी जिंदगी का इंजॉयमेंट वाली बात है, यह हमारी जिंदगी को सिर्फ इंजॉय देती है, हमारे प्रैक्टिकल यूज की बात नहीं है। जिस तरह से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल पहले के समय में प्रैक्टिकल यूज में करते थे, उस प्रैक्टिकल यूज में नहीं, आज का दिमाग हमारे इंजॉयमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और क्या कह रहा है कि इन बातों को समझने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है, एक एग्जाम्पल आपका नरेटर ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्लो थिंकर्स को समस्या होती है और आपके बढ़ते हुए तेज रफ्तार की जिंदगी में। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि नरेटर एक आपका नाटक देखा इन्होंने, और इन नाटक में इन्होंने देखा कि एक स्लो थिंकर्स है, एक आपका काफी कमजोर हार्ट वाला जिनके अंदर बहुत सारी आपकी मन में आशाएं हैं, लेकिन उनके जो भतीजा है, जो कजन्स है, उनकी वाइफ है, सब उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, इनके बारे में हमने देखा। अब हम लोग जानेंगे कि ये एक और नाटक देख रहे हैं, और इन नाटक के अंदर, इस सिनेमा के अंदर किस तरह से स्लो थिंकर्स को प्रस्तुत करते हैं यह जानने की हम कोशिश करेंगे। पूरी चैप्टर में हमें जानना है कि किस तरह से एक स्लो थिंकर्स सफर कर रहे हैं आज के समय में इस बढ़ती तेज रफ्तार की जिंदगी में। तो कह रहा है एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, वेन आई गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा गया, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस, और मैं अपने वहां पर अपने आप को होपलेस पाया, असहाय पाया, होपलेस फॉग यानी अपने आप को होपलेस फॉग में यानी जैसे कुहासे में खो गया, अंधेर का अंधार अंधकार में खो गया मैं, ऐसा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि आफ्टर टू और थ्री मिनट्स, 2 से 3 मिनट बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। एक प्रकाश आया तब हम अपने वाइफ के इनलाइटमेंट, उनको खुशी को देख पाया। आई विस्पर्ड, मैं उनसे बुदबुदा के कान में धीरे से कहा, क्या कहा, इज द सेम गर्ल, क्या वही लड़की है एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। अब दो लड़की इन्होंने देखा, अब दोनों लड़की में कंफ्यूज हो गए कि भाई ये पहली वाली जो लड़की देखा था क्या दूसरी लड़की देखा, दोनों सेम है, ये लड़की है और ये दोनों लड़की आपका अलग है कि दोनों लड़की एक ही है। अब इसे समझने में, अब बेचारे स्लो थिंकर है, इसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये पहला वाला जो है इसका नाम मान लीजिए ए है और इसका नाम बी है, कह रहे कि क्या ये दोनों लड़की सेम है। तो देखिए ये अपने वाइफ को धीरे धीरे कह रहे हैं, ये सोच रहा भाई दूसरा कोई सुनेगा तो मुझे क्या होगी जी, मेरे पे मजाक करेंगे, लेकिन इसलिए वाइफ से पूछ लेते हैं कि भाई ये वही लड़की है कि नहीं है। फिर क्या, एंड सी विस्पर्स, तब उनकी पत्नी धीरे से बोलती है, विस्पर्स बैक, धीरे से उनकी पत्नी बुदबुदा के कहती है, नो नहीं, देयर आर थ्री गर्ल्स, इस मूवी में 3 लड़की है, इन द फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़की है, अ टॉल ब्लंड, एक लंबी लड़की है जिनके भूरे भूरे बाल है, अ शॉर्ट ब्लंड, एक छोटी लड़की है जिनके बूढ़े बूढ़े बाल है, और क्या, एंड ए मीडियम साइज ब्लंटी, और एक और लड़की है जो मीडियम साइज की है, यानी 3 लड़की, एक लंबी, एक छोटी है और एक मीडियम साइज की है, 3 अलग अलग लड़की है। आप इसे समझने के लिए कॉल देम ए बी और सी, मान लीजिए जो जो लंबी लड़की है उसको ए नाम दे दीजिए, जो सबसे छोटी है उसको बी, और जो मीडियम साइज की उसे सी नाम दे दीजिए, ये 3 लड़की है। द हीरो, जो उसका फिल्म का मेन हीरो है, दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स, जब वह रूम के अंदर प्रवेश करता है तो वह अपना हैट ऑफ करता है, हैट ऑफ यह आपका फ्रेजल वर्ड है, इससे भी आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, हैट ऑफ मतलब होता है स्वागत करना, टोपी उतारना, किसी की आदर करना, ठीक है, हैट ऑफ। उसके बाद क्या होता है, क्या कह रहा है, ही इज गोइंग टू फेल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर,
पहले इसे बी से प्यार होता है, तो बी कौन सी है भाई, सबसे छोटी लड़की है, शॉर्ट साइज वाली। उसके बाद प्यार होता है किसे, सी से, जो कि मीडियम साइज की लड़की है। अब क्या होता है लास्ट में, ए से प्यार होता है इनको, जो सबसे लंबी है। तो यानी कि एक हीरो है और एक हीरो तीनों से प्यार करता है, पहले सबसे छोटी वाली से प्यार करता है, फिर मीडियम साइज वाली के, और सबसे लास्ट में सबसे लंबी वाली से। इसी क्रम में वह प्यार तीनों से करता है, एंड सो इट प्रूव्स, इसलिए वो ये साबित करता है टू बी कि मैं ऐसा कर सकता हूं। देयर यू हैव अ माइंड, देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। क्या कह रहा है कि यहां पे बताना चाहता है, ये ट्रेंड करना चाहता है कि वो क्या करता है, किसी भी काम को हाई गियर में कर सकता है। हाई गियर का मतलब काफी तेज रफ्तार में कर सकता है। मैटर्स ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट मैटर का जो फैक्ट है, कैन वर्क इन अदर गियर्स, इसके अलावा और गियर में भी जो काम किए जाते हैं उनकी अपेक्षा यह तेज रफ्तार में कामों को कर सकता है। यह हीरो अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर रहा है, हीरो जो है अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर रहा है कि हम इस रफ्तार से हम लड़कियों को आपका प्यार कर सकते हैं, कि हम एक साथ में तीन लड़कियों के साथ अफेयर कर सकते हैं। यह एक तेज रफ्तार से वर्क को डिफाइन करने की कोशिश किया है। उसके बाद क्या, बट माई पॉइंट इज, लेकिन मेरा मतलब, दैट इज मस्ट ऑफ माई फेलो पैसेंस इन द सिनेमा, लेकिन इस सिनेमा में जो मेरे फेलो पैसेंस है, मेरे जैसे स्लो थिंकर्स है, डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंजेस। लेकिन हमारे जैसे जो स्लो थिंकर्स है, अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, अपने आप को इसमें जो रैपिड चेंज है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ द सीन, ऑफ सीन एंड एक्शन, सीन और एक्शन के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कह रहा है, दे थिंक मच फास्टर देन पीपल, वह लोगों से ज्यादा तेज सोच रहे हैं। डिड 30 ईयर्स एगो, जो 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उनकी अपेक्षा काफी तेज रफ्तार से लोग सोच रहे हैं। पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, जिस तेज रफ्तार से नाउअडेज गति कर रही है उस रफ्तार से अगर न सोचे, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, उसे बिल्कुल भी, एट ऑल एक फ्रेजल वर्ड है, इसे जरूर नोट डाउन करेंगे, इसका मतलब होता है बिल्कुल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। अगर तेज रफ्तार से अपने आप को न सोचे, तो आजकल की जो तेज रफ्तार से गति चल रही है उसमें अपने आप को बैलेंस करना नामुमकिन होगा। मतलब पूरी चैप्टर में कहना चाहता है कि स्लो थिंकर्स हैं तो उसे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, जब वह अपडेट होगा, जब वह नए रफ्तार से अपडेट होगा, तभी वह अपने आप को इस देश में, सॉरी, इस तेज रफ्तार की दुनिया में अपने आप को बैलेंस कर पाएगा। क्योंकि जो मशीनरी एज है, जो मशीन वाला एज है, उस रफ्तार से हमें सोचना भी पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को इसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी, आपने जितना चैप्टर पढ़ा, स्टोरी पढ़ा, बस उतनी बातें आपके दिमाग में है, तो आंसर आप इजिली दे सकते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है वेयर डिड, कह रहा है आपका, कह रहा है वेयर डिड, कलर चेंज कर दे, कह रहा है वेयर डिड राइटर वॉच द प्ले। पहले बताना है कि जो राइटर है, जो पहला जो नाटक देख रहा था, वो किस शहर में देख रहा था, तो वो शहर कौन सा था, डबलिन था। वो शहर कहाँ था, डबलिन था। मतलब क्या, राइटर जो देख रहा था, राइटर कहाँ देख रहा था, डबलिन में देख रहा था। यानी कह सकते हैं कि राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन, राइटर कहाँ देख रहा है आपका नाटक, डबलिन में देख रहा है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कुछ भी याद करने की चीज ही नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इजिली कर सकते हैं आप। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, इस नाटक में चीफ कैरेक्टर कौन था, जो यह प्ले डबलिन में देखा था उसमें चीफ कैरेक्टर कौन था,
जिसके साथ सभी चीटिंग कर रहे थे, वो कैरेक्टर कौन था? तो वो कौन था? इल्डरली कोल्ड मार्चेंट। वह आपका धनी तो था लेकिन वह जो अनाज का व्यापारी था उसी के साथ ना चीटिंग हो रही थी जी। तो यह इल्डरली जो कोल्ड मार्चेंट है वही हमारा क्या था? चीफ कैरेक्टर था प्ले का। यानी क्या? इल्डरली कोल्ड मार्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इजिली आप उसे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड नंबर, राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। आपको बताना है कि राइटर हर फील्ड में जो आपका तेज रफ्तार से जो गति बढ़ रही है क्या उसे नापसंद करता है? तो बिल्कुल भी नहीं, उससे वह डिसलाइक नहीं करता बल्कि उसे वह इंजॉय करता है, उसे आनंद आता है। तेज रफ्तार की जब कार में वो बैठता है तो उससे आनंद आता है, उस वो उसे नापसंद नहीं करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या होगा इसका आंसर? कि नो, वो रफ्तार को इसे क्या करता है जी? रैपिड रफ्तार से उसे डिसलाइक नहीं करता बल्कि क्या करता है? रैपिड मूवमेंट को वो इंजॉय करता है। राइट? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कुपोर कह रहा है, इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। सिनेमा में गया तो राइटर अपने आप को कैसा पाया? तो वह अपने आप को होपलेस फॉग में पाया, होपलेस फॉग में पाया, असहाय महसूस किया। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर 3 लड़की थी, एक टॉल थी, एक शॉर्ट थी और एक मीडियम थी, और तीनों लड़की उनको एक ही जैसे लग रही थी। वो तो कहिए कि उनकी पत्नी उनके साथ थी जिनसे वो पूछ के काम चला रहे थे। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे? होपलेस फॉग महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो स्लो थिंकर्स थे, वो जिस रफ्तार से, तेज रफ्तार से वो मूवी में बढ़ रहे थे उस रफ्तार से सोचने में असमर्थ थे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज राइटर क्लासीफाई हिम सेल्फ एज अ थिंकर। तो कह रहा है कि राइटर अपने आप को किस कैटेगरी में रखता है? तो राइटर अपने आप को एक स्लो थिंकर में, एक धीरे धीरे सोचने वाले व्यक्ति के रूप में शामिल करता है, स्लो थिंकर्स के रूप में समझता है। ऐसा फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।